सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत बिहान बिहान टाइम है, मॉर्निंग का समय है। तो देखिए सकल नज़ारा काफ़ी ही सुंदर दिखता है हम कर गाँव कर। और मैं कीबोर्ड मन ले के एखन जात हो तनिक प्रोग्राम सिलीगुड़ी पुरान। तो इनके आज मैं सिलीगुड़ी कर कुछ नज़ारा देखे चाहूँ। तो लगे रहा वीडियो में और इनकर चिलोनी का नज़ारा देखा हम कर। ये रास्ता हम कर घर जाएला और ये है के टानस मीटर। और ये रास्ता हम कर जाएला भादु ग्राउंड फुटबॉल मार्ट। और मुके जाए कि अला रास्ता में गाड़ी चढ़े के लिए फिलहाल ये रोड बना थे तो इन्हें से भी गाड़ी चली हल और सुविधा हुई तो चला। लगे रहा वीडियो में। तो गाइस मैं पहुंच गेलो फैक्ट्री के सामने और एखन हम कर गाड़ी चाह देखे पड़ी अलग कि नहीं अलग। शायद सैमसंग बटले अभी कहा था गाड़ी 6:30 बजे कर और मोर तो एखन 6:34 सही गलक। कुछ पता नहीं गाड़ी मिली कि नहीं मिली। नहीं मिली तो कोई संगी के फोन करे पड़ी आवा रहे गए दो एक गए दो कह के। तो बहुत भारी लागत है। खांद भी बैठ जाते हैं, हाथ भी बैठ जाते बकरे बकल। तो इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हो यार, लाइक शेयर कमेंट कुछ तो करा तब नहीं करा ला। 70% अभी वीडियो देखे ना, 10% अभी सब्सक्राइब करे ना। इतना दुख कर बात है कि इतना मेहनत करी ला हर तुहन। तो ठीक है चला लगे रहा वीडियो में। तो यहाँ से मिले ला हमें गाड़ी और ये है क्या हमें का फैक्ट्री। तो पहला महीना उतर काम हम इनकर बाबू खड़ा है और यहाँ गाड़ी स्टैंड है। इतो यहाँ से गाड़ी मिली फैक्ट्री। हम इनकर गाड़ी बटले अभी और हम इनके जाए के खीने प्रैक्टिस करा थे यहाँ। तो चला गाड़ी कर वेट करें। बहुत टाइम हो जाते दोस्त मने 6:50 हो गया पर इतने तक ले गाड़ी का कुछ पता नहीं चला था। जल्दी जल्दी बाइक ले थोड़ी लागा था लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करा ला का लखा बाइक ले हमारे दम सब्सक्राइब करा वीडियो देखा वाच टाइम बढ़ावा तब तो मैं बाइक ले दूँ यार। और कहीं कहीं का देखा वो सब्सक्राइब भी नहीं करा ला तो एकदम इधर ना भूला बा। सब्सक्राइब करा शेयर करा दोस्त मन के दिखावा कि हमारे चिलौनी का दोस्त है कि कही के। और क्या कहो बाकी तो हर मर्जी एक तो मर काम सॉरी जस्ट मजाक करो कल क्या सिलीगुड़ी का सीन देखा ना। फिलहाल तो ट्रेन में जाबू सोचो था ट्रेन में जाबू हले कुछ नज़ारा सॉरी गाइस, गाड़ी में बहुत भीड़ रहे तो मैं 400 तक का सफ़र देख नहीं सकलो बल्कि मेटली से मैं 400 पहुँच गया और यह के 400 डिब्बा। और एखन मौका जाए पड़े ही ने यहाँ से जाएला स्टेशन रास्ता ये वाला रास्ता से। तो चला स्टेशन में टिकट लो
और जाप सिलीगुड़ी, तो चला लगे रहा वीडियो में। बहुत ढलान है कि उतर थो एखन रास्ता में और टिकट काटे के लिए जा थो, तो बतावा तो इनका भी रास्ता है कि नहीं है, कमेंट करके बतावा। और के क्या है ये भी बतावा, कहाँ का रहेगा और मोर वीडियो कहाँ कहाँ का आदमी देखेला ये भी तो बतावा कम से कम कमेंट करके। थकवा दे थे यार, ट्रेन पटरी दिशा थे देखे सकाल 7:50 का ट्रेन है, कितना बजला पता भी नहीं है। तो मैं पहुंच गया अखन जालसा रेलवे स्टेशन, अब यहाँ से लेक पड़ी टिकट, उकर बाद में यात्रा करे पड़ी शुभ। तो देख सकल मैं जालसा स्टेशन में चला हूँ, बोर्ड लागल है ऊपर जालसा, तो चला टिकट लो। लागत बंद है कि फिर पूछ लो क्या हाल है। कीबोर्ड के राइट दो आगे, अब केकरो केकरो से पीछे लग पड़ी कि बंद है कि क्या है, पहला पूछ लो। सूत्रों के अनुसार पता चला है पूछने पर कि ट्रेन है यहाँ से 8 बजे, यानी कि ट्रेन है हमिंगर 8 बजे और मैं यहाँ पूछ चाहिए 7:25 में, कहीं नहीं आधा घंटा पहले पुगे चाहिए कहीं भी, तो आधा एक घंटा पहले ही मैं पूछ जाऊँ। अब मुझे कुछ चीज़ का टेंशन ना है, बस टिकट काटे के और जाए के सिलीगुड़ी जंक्शन, उसके बाद में नक्सलबाड़ी। तो लगे रहा वीडियो काफ़ी लंबा हो सकेला, पर इतना जरूर कहूँ कि इंटरेस्टिंग हो सकेला, काले कि रास्ता में बहुत सारा चीज़ मिल सकेला देखे के लिए। और बाद में तो पुरान कर तो जे है हुआ कर गाना वाना जे कथा है उस तो हमको मिलवे करी, लेकिन वीडियो में लगे रहा ताकि बीच का जे है क्योंकि मनोरंजन कर सकते हैं। धन्यवाद। तो हेलो फ्रेंड, हम इन टिकट ले ली सिलीगुड़ी जंक्शन का, तो चला अब हम इनका ट्रेन आवे कला है और उठावे ये रास्ता में, तो इन्हें से इन्हें जाएगी। तो लगे रहा वीडियो में, हमें ट्रेन के देखा तो कौन ट्रेन आवे कला है, ठीक है टिकट के देख लो सिलीगुड़ी जाए कला। ओके बाय। तो मैं कर रहा था एक ट्रेन कर वेटिंग और ट्रेन आवे कला है, उबट ले आवे लागत है आवत है। तो देखिए सकल हमें जालसा स्टेशन पहले से बेटर कर दे, बहुत ही बढ़िया फूल वूल लगाए के पार्क लखे लागत है। तो हेलो फ्रेंड, हम इनका ट्रेन जो है गुठो चल अलग एखन नागरा कट्टा से छूट गया और यहाँ सामने पहुँच जाए जालसा में, तो इनमें तोहिन के देखा चाहो ना ट्रेन आवत है और उकरे में ही मैं जाबू सिलीगुड़ी और तोहिन के भी लेके जाबू, तो लगे रहा वीडियो में। Thank you.
काफ़ी अवेलेबल है सब कर लेते लेकिन मोर लेना फिर तो एक फिलहाल ट्रेन के दूरा में खड़ा और मोबाइल के कैच कर रहे ब्लॉग पर ब्लॉग पर लागल रहा वीडियो में मिलेंगे कुछ नज़ारा देखा। हाय गाइस, तो हम पहुंच गए लेखन जंक्शन और एखन उतरे वाला हो फिलहाल यहाँ से गेला रोड से और हमारे संगे ही दादा रहे एक जन जो कि एखन आवत है तब देखा नहीं सको वीडियो होने कर काले दिन में बैठ रहे और आराम करते रहो कैदा तिकन काफ़ी थकान हो जाए गाना कर उठाते उठाते कब प्रैक्टिस करते करते तो चला अब जा सिलीगुड़ी। गाइस तो एखन पहुँच जा हो सिलीगुड़ी जंक्शन और वहाँ से रेलवे स्टेशन से निकल के फिर एखन बाद में हम इन गाड़ी के वेट कर रहे थे कि गाड़ी कब आबी उकर बाद में हम इन जा चावड़ा बागान तो गाड़ी का वेट कर रहे थे देखा कब आवेला और साथ साथ में हम इनका सुमित दाकर भी वेट कर रहे थे सुरेश दाकर भी वेट कर रहे थे जो कि ढोलकी सर की वोडिस सॉरी ढोलकी सर पेटी सेकंड की वोडिस तो मोए एक तो चला लगे रहा वीडियो में काफ़ी थक जात हो घर से आते आते भूख भी लागत है सोचो तो कुछ नाश्ता पानी कर लेवन।
साइड में खड़ा है से कैसे नहीं चलते बता दें। ठीक है टाटा। एक घंटा से खड़ा हो दोस्त, क्या करवे लेकिन तो कहीं ना खेन कब आवे पता है नहीं। बहुत दिन में भूख भी लागत है और दुख भी लागत है, कोई संग नहीं रहन तो बहुत ही बोरिंग लागेला खास करके। और गाड़ी कर हारन से माथा दर्द कर रखला, ये पता नहीं कौन वाला बस में आते आधा घंटा में पहुँच जाबू गलत पूर्व आधा घंटा वाला बस थे एक घंटा लगा दिलक एखन तक आई ना। तो हेलो गाइस, हमें नहीं जाही एखन नक्सलबाड़ी और देखला हो आगे कर ब्लॉक में काफ़ी सुंदर लागल तो इनके भी। और हमारे पूरा टीम आई जाए यहाँ पेडिस में है, एक सुमित दा और भाई, भाई का नाम अभिषेक, तो अभिषेक भाई भी है और इन्हें ढोलक में है हमिन कर दादा सुरेश दादा, सॉरी सॉरी नाम बुलाई जाए रहो तनिकुन। तो चला आगे कर भी देखा पर कुछ कुछ तो इनके भी वीडियो दिखाते रहो लगे रहा। ठीक है टाटा बाय बाय। हरि शरणम यहाँ छ यहाँ देखि भन्नु शरणम त्यही तालमा फेरि पस्नु पर्छ। बडा सुन्दर नाटक है गर्भवती होने का और अपने पति से खूब सेवा करवाई। राधे राधे। आजकल की हमारी मैयाएं तो नाटक तो नहीं करते पर पहले महीना होते ही डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट, तो उसके बाद में सास को सेवा करवाओ भाई हमको तो बेड रेस्ट बोला हुआ है। लेकिन अब पति को सेवा करवाओ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ सोते रहो, तो अंत में जाओ भाई सीजर करो। फिर भैया पहले की मैयाएं कभी किसी ने सुना है कि ये सीजर करके इनका बच्चा पैदा हुआ है? कितना भाग दौड़ करके सब कुछ काम कर दे, क्या पहले बच्चा नहीं होता? क्या अभी की मैयाएं बच्चा देती? जो छोटे छोटे काम को भी आलस से पति को सेवा करवाते हैं वो सब धुंधली बन जाते हैं। तो यहाँ जब बच्चा हो गया चले जाओ तुम ही शांत कर, क्योंकि भगवान भी होते हैं भक्त के वश में। प्रहलाद जी गए धीरे धीरे डरते हुए, छोटा सा प्रहलाद जी हैं और ऐसे विचित्र भगवान की स्वरूप। प्रहलाद जी ने जाके जैसे प्रणाम किए, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को उठाए और अपनी गोदी में ले लिए और जिभा निकाल के चाटने लगे और बड़ा प्रेम से उनको रखे।
नरसिंह देव की क्रोध यहाँ शांत हो गया और बड़े प्रेम से यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं एक तो छोटा सा बालक हूँ और असुर कुल में मेरा जन्म हुआ है। आपका मैं स्तुति कैसे करूँ, आपकी वंदना कैसे करूँ? पर हे प्रभु, मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि मेरे पिता जो हैं उसको सदगति प्रदान हो। भगवान कहते हैं, हे प्रहलाद, तुम जैसे बेटा जिस कुल में जन्म लिया है वो कुल के माता पिता कैसे नर थे? तूने भाग्य I'm not afraid to die.